दोस्तों आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं जो अब की बार जिन्होंने आईटीआई में और पॉलिटेक्निकल या फिर अपने कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो भाई आप अपने पास को लेकर आप लगातार कमेंट जो है वो बार बार कर रहे हैं हर वीडियो के नीचे। और हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, वहाँ भी आप लगातार कमेंट जो है वो कर रहे हैं। तो क्या पूरा मामला है, कब कहाँ पर आपके पास जो है वो बनाए जाएंगी, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट में। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट। दोस्तों आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं जिन्होंने अब की बार एडमिशन लिया है हरियाणा में आईटीआई में या फिर पॉलिटेक्निकल में या फिर किसी कॉलेज में, तो भाई आपको पता है कि पास तो अपने बनवाना ही पड़ता है, तो किस प्रकार से अपने पास बनवाना है, क्योंकि आप की जो क्लासेज हैं शायद शुरू भी हो चुकी होंगी आईटीआई पॉलिटेक्निकल कॉलेज की, तो भाई किस प्रकार से अपने पास बनवाना है और कौन आपका पास जो है वो बनवा के देगा। तो भाई सबसे पहले तो अगर आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल, गवर्नमेंट आईटीआई या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पर क्या करना है, अपने आपके कुछ या एक या दो दिन हफ्ते के अंदर जैसे ही आपकी जो लगा रेगुलरली जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट होने के बाद, अभी आपकी ओपन काउंसलिंग भी चली हुई होंगी शायद, ओपन काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद एक या दो हफ्ते के बाद आपको पास है ना नोटिस बोर्ड पर भी लगा दिया जाएगा शायद कि भाई आप अपने पास जो है वो बनवा सकते हैं, क्योंकि पीछे समय में जो है नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाता था कि भाई जो स्टूडेंट अपने पास बनवाना चाहता है वो अपने पास के लिए आवेदन कर सकता है, किसी एक स्टाफ की ड्यूटी लगाई जाती थी। और तो इसी प्रकार से आपने कहीं पर भी नहीं जाना है भाई, अपने कॉलेज में ही आप अपने टीचर्स से इस बारे में चर्चा कर सकते हैं कि भाई हमने जो है स्टूडेंट बस पास बनवाना है तो कब इसके लिए आपने जो है फ़ीस जमा करवानी है, कितनी फ़ीस जमा करवानी है। और डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपका राशन कार्ड सबसे पहले तो एक या दो फ़ोटो लगेंगी आपकी, और जो आपकी फ़ीस रहेगी वो फ़ीस लगेगी, यानी कि जो फी जो आपकी पास की जो फ़ीस लगेगी वो इस पर पास की जो फ़ीस होती है इस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी हूँ प्राइवेट बटन में, उसका भी लिंक मिल जाएगा कि कितने किलोमीटर के लेकर कितने किलोमीटर तक के कितने पैसे लगते हैं और कितने किलोमीटर को लेकर कितने किलोमीटर तक के कितने पैसे लगते हैं और गर्ल्स के कितने हैं बॉयज़ के कितने हैं, तो ये कंप्लीट डिटेल उस वीडियो में आपको बता रखी हूँ, ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। और भाई आप अपने कॉलेज से ही अपने पास को है बनवा सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अगर फिर भी पास को लेकर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं।